सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है, सभी को और गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज है संडे का दिन और मैं और सोल्टा सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सो के हो चुके हैं। तो अब हम लोग सोच रहे हैं आज प्लान बना रहे हैं, मतलब जाने का कहाँ, पूरी सब्जी खाने का, मतलब एक सेक्टर 16 में हमारे फरीदाबाद में ही पूरी सब्जी, सेक्टर 15 में चौधरी ढाबा, वेजिटेरियन के लिए बहुत ही अच्छा है, टेस्टी। वहाँ पे पराठे वगैरह मतलब सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, और थोड़ा जैसे अमृत सुखदेव वाला भी फील आता है, पराठे क्योंकि लोनी भी मिलता है। तो हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग में पूरी सब्जी खाने के लिए, तो बहुत ही टेस्टी है। पर हम लोग लास्ट टाइम गए थे दिवाली पहले शायद, तो वहाँ भी बहुत जबरदस्त पूरी उड़ी थी। तो जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग खाने के लिए, और टेस्ट चलो आपको भी लेके चलते हैं वहाँ का, दिखाते हैं पूरी सब्जी और टेस्ट करके आपको बताते हैं वहाँ पे कैसा है। वैसे ऑलरेडी हमने टेस्ट कर रखा है, आज का टेस्ट भी बताते हैं आपको वहाँ पे कैसा है। So, चलो हमारे साथ आप मैं और सोहन पहुंच चुके हैं चौधरी में, अभी पूरी करने के लिए दो प्लेट हमने ऑर्डर कर दिया है। अब यहाँ पे और टेस्ट काफी अच्छा आपको दिखाते हैं किस तरीके का। और आपको दिखाते हैं इसका मेन्यू, तो हमने खा लिया है पूरी सब्जी अभी, मस्त एकदम। इतना भीड़ है और इतना लंबा लंबा लाइन भी लग रहा है, वेटिंग के लिए भी है पब्लिक खड़ा। सो बहुत ही टेस्टी है, आप लोग भी आ सकते हैं 15 का मार्केट में, आओ और खाओ एक बार, टेस्ट करके जाओ, बहुत ही गजब है। सोल्टा मजा आया ना पूरी सब्जी खाने में, बहुत ही गजब है। सो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं चाय पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए थे 12 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर के पास में, ये रहा इधर कम्युनिटी सेंटर। हम लोग यहाँ पे सोचे थोड़ा रील वील बना लेते, एक रील बना लिया, अभी यहाँ से निकलते तो सीधा चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर निकलते हैं घर की ओर, या तो फिर चलते हैं रोहित भैया के दुकान, ना संडे थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, क्यों सोल्टा। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग चाय वाय पीने के बाद अभी सीधा आ गए हैं घर। घर में आने के बाद मैं काम वाम किया, उसके बाद फिर दिन में लंच वंच किया, नहाया धोया। अभी हमने नहा धो के मैं हो गया हूँ रेडी, सोहन भी मेरे साथ है, सोहन भी जाके हो गया रेडी। तो आज हम लोग शाम को चलते हैं छठ पूजा देखने के लिए, क्योंकि आज है छठ पूजा, और सभी मेरे दोस्तों और सभी भाइयों बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हमेशा विश करूंगा कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो आज है छठ पूजा, तो आज के दिन हमारे गाँव में भी लोग बहुत अच्छे से छठ पर्व मनाते हैं, छठ का महापर्व मनाते हैं। तो हम लोग अभी हैं यहाँ पे तो फरीदाबाद में, तो यहाँ पे भी मतलब जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करते हैं छठ पूजा। तभी हम लोग जा रहे हैं घाट में, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे देखेंगे और दूर से नमस्कार करेंगे। तो और ये भी है कि हम लोग गांव में रहते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छठ पूजा को एंजॉय करते थे, बहुत ही तरीके से वहाँ पे हर चीज़ को, माने ये जो छठ पूजा का वहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे बहुत एंजॉय करते थे। सो अभी वहाँ पे हम लोग हैं नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग बहुत मिस करते हैं, और मैं तो हमेशा मिस करता हूँ अपने होम टाउन को इस पूजा फेस्टिवल में। सो और स्पेशली ये छठ पूजा को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, कि ये जो छठ पूजा मतलब जो भी यहाँ पे जो छठ पूजा मतलब होता है वहाँ पे बहुत ही मतलब शुद्ध तरीके से होता है। सो अभी हम लोग चलते हैं सीधा, पहले मैं जा रहा हूँ सोहन का, सोहन भी नहा धो के रेडी हो जाएगा, मैंने तो नहा लिया है, और सोहन भी नहा धो के रेडी होगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे होता है छठ पूजा यहाँ पे। वैसे तो बहुत जगह होता है, पर देखते हैं आज चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो चलो हमारे साथ। तो सोहन भी रेडी हो गया, अब हम लोग निकलते हैं ऐसे सीधा, और सोहन के रूम पे हूँ मैं। तो सोहन बात कर रहा भैया से, भैया ने क्या बोला, डेंजर लग रहा है बेटा।
अंदर से खुल पाएंगे तो जाने नहीं देगा लेकिन अंदर का। चल जूता खोल के अंदर चलते हैं ना एक बार। घूमते फिरते आप लोगों को दिखाया कहाँ कहाँ छठ पूजा हो रहा है। अभी हम लोग अंदर तो गए नहीं, बाहर से ही देखें क्योंकि अंदर हम लोग जा नहीं सकते थे और असली नहीं जा सकते थे कि हम लोग वैसे ही ज्यादा दिन भर इधर उधर भटकते रहते, कुछ भी खाते पीते रहते, सिर्फ बाहर से नमस्कार करके आ गए। दो तीन जगह होता है इधर में और वापस से आने के बाद फिर से हम लोग चाय पी रहे हैं और फिर सीधा सीधा निकलेंगे इधर से घर थोड़ी देर में। और आयुष भी गया पता नहीं कहाँ अभी, हम लोग आ गए हैं घर और होने मतलब सोने का टाइम हो गया। सो थोड़ा बहुत घूमे, छठ पूजा देखे, इधर उधर भी गए। सुबह से आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। सो कभी कभी ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में लिए, तब तक के लिए बाय बाय और सबको गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।